brought to you by Glimpsy. Win up to rupees 5 crores every day. Download the app now. जॉस बटलर, युजवेंद्र चहल, केएल राहुल, वानिंदु हसरंगा, आईपीएल 2022 को एक बार फिर स्टार्स की लंबी लिस्ट मिल गई है। इसमें कुछ नए चेहरे हैं तो कुछ पुराने। आपने अच्छे प्लेयर्स की तारीफ पूरे सीजन सुनी होगी, तो कुछ अलग करने की कोशिश करते हैं। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे ऐसे 11 खिलाड़ियों के बारे में जिनसे उम्मीद तो बहुत थी पर उन्होंने अपनी टीम और फैंस को लगातार निराश किया। पहले हैं केन विलियमसन। इस लिस्ट में सबसे पहला नाम केन विलियमसन का है। इनका नाम इस लिस्ट पर इतना सूट करता है कि सनराइजर्स हैदराबाद के फैंस भी इस बात को नहीं नकारेंगे। 14 करोड़ में रिटेन किए गए विलियमसन पिछले सीजन से ही SRH की कैप्टेंसी संभाल रहे हैं। डेविड वार्नर के जाने के बाद विलियमसन के कंधों पर और भी जिम्मेदारी थी और उन्होंने इस जिम्मेदारी की लंका लगा दी। 13 मैच मात्र 216 रन। विलियमसन को कहां टीम की समस्या कम करनी थी, कहां वो खुद टीम की समस्या बन गए। लगातार ओपन करते हुए उन्होंने अपने मिडिल ऑर्डर पर दबाव बनाया। इस सीजन में विलियमसन ने 19.64 की औसत से 93.51 की स्ट्राइक रेट से बैटिंग की है। दूसरे खिलाड़ी हैं वेंकटेश अय्यर। आईपीएल 2021 की सक्सेस स्टोरी इतनी छोटी होगी ऐसा कोलकाता फैंस ने सोचा नहीं होगा। वेंकटेश अय्यर ने आईपीएल 2021 के दूसरे चरण में ऐसी बैटिंग की थी कि उनका सिलेक्शन टीम इंडिया के लिए हो गया था, लेकिन वो काबिलियत आईपीएल 2022 में नदारद रही। 12 पारियों में वेंकटेश ने 182 रन ही बनाए। उनकी फॉर्म इतनी खराब थी कि ओपनिंग करने वाली वेंकी को टीम ने नंबर 6 पर भेज दिया, लेकिन वेंकी का बल्ला वहां भी नहीं चला। वेंकटेश ने इस सीजन में 16.55 की औसत से रन बनाए हैं। पिछले सीजन इस युवा ऑलराउंडर ने 41.11 की औसत से रन ठोके थे। तीसरे खिलाड़ी हैं मैथ्यू वेड। आईपीएल 2022 की शुरुआत में शुभमन गिल के साथ मैथ्यू वेड गुजरात टाइटंस के ओपनर थे। 5 मैच में लगातार खराब परफॉर्मेंस के बाद वेड को बेंच पर भेज कर साई सुदर्शन का नंबर 3 पर ट्राई किया गया। इससे भी गुजरात को कोई खासा फायदा नहीं हुआ। वेड ने वापसी की और उन्हें नंबर 3 पर जगह मिली। ओपनिंग पोजीशन में रिद्धिमान शाह अपनी जगह पक्की कर चुके थे। हालांकि इस चेंज के बाद भी वेड के फॉर्म में कोई बदलाव देखने को नहीं मिला। 10 पारियां खेलकर वेड ने कुल 157 रन ही बनाए। उनका औसत सिर्फ 15.7 का था। 2.4 करोड़ में खरीदे गए इस प्लेयर से इस टीम को काफी उम्मीदें थी। चौथे खिलाड़ी हैं मयंक अग्रवाल। केएल राहुल तो निकल लिए पर मयंक को पीछे छोड़ गए। प्रीति जिंटा ने उन्हें कैप्टेंसी दे दी। कैप्टेंसी में कुछ अच्छे निर्णय देखने को मिले पर मयंक की खराब बैटिंग को उनकी काबिल कैप्टेंसी छिपा नहीं पाएगी। 12 पारियों में मयंक ने सिर्फ 196 रन ही बनाए। औसत सिर्फ 16.33 का और स्ट्राइक रेट 122.5 का। जॉनी को ओपनिंग स्टॉल में भेजने के बाद तो मयंक की बैटिंग लाइनअप में जगह ही नहीं समझ आ रही थी और उनकी फॉर्म भी इस समस्या को बढ़ा रही थी। मयंक को ओपन फॉर्म वापस पाने की जरूरत है। वॉन वो कप्तानी से भी हाथ धो सकते हैं। केन विलियमसन के बाद अगर कोई नाम बिना शक इस लिस्ट पर आता है वो है किरोन पोलार्ड। 2013 के बाद से पोलार्ड ने मुंबई इंडियंस को ना जाने कितने मैच बनाकर दिए। इस टीम को ना सिर्फ पोलार्ड फाइनल में ले गए बल्कि जिताया भी, लेकिन इस सीजन वो पुराना वाला पोलार्ड नजर नहीं आया। 11 मैच और सिर्फ 144 रन, स्ट्राइक रेट भी 107 का। समझाने के लिए बता दें कि 2013 के बाद से पोलार्ड का स्ट्राइक रेट कभी भी 133 से कम नहीं रहा है। इस सीजन वेस्टइंडीज के पूर्व कैप्टन पोलार्ड का सर्वाधिक स्कोर सिर्फ 25 का रहा है। रियान पराग। नाम बड़े दर्शन छोटे, इनमें विराट जैसा एटीट्यूड है और काबिलियत रियान पराग जैसी। रियान के नाम पर सोशल मीडिया पर बहुत कुछ लिखा गया। पराग के प्रदर्शन ने उनके आलोचकों को और शोर मचाने दिया है। टीम में फिनिशर के रोल में खेल रहे पराग का 14 बार बैटिंग करने का मौका मिला। इनमें पराग ने 16.64 की औसत से 183 रन ही बनाए। फाइनल में ये कमजोरी इस टीम को खूब खली। पराग ने रॉयल चैलेंजर बैंगलोर के खिलाफ 56 रन की पारी खेलकर अपनी टीम को जीत जरूर दिलाई, पर क्या सिर्फ इतना ही टीम में उनकी जगह पक्की करने के लिए काफी होगा। रविंद्र जडेजा। सीजन की शुरुआत से 2 दिन पहले कुछ नया देखने को मिलने वाला था। MS धोनी खेलने वाले थे पर कप्तानी नहीं करने वाले थे।
चेन्नई की कैप्टेंसी धोनी ने जडेजा को सौंप दी। ऐसी टीम की अगुवाई करना अपने आप में एक बड़ा चैलेंज था और ऐसा हुआ भी। खैर, कैप्टेंसी का जिक्र फिर कभी करेंगे, अभी उनकी परफॉर्मेंस पर बात कर लेते हैं। इंजर्ड होने से पहले जडेजा ने 10 मैच खेले थे, बैट से आए थे सिर्फ 116 रन, औसत 19.33 की। पिछले सीजन 75.66 की औसत से जडेजा ने 227 रन ठोके थे। जडेजा की बॉलिंग भी आम ही रही, 7.52 की इकोनॉमी से जडेजा सिर्फ 5 विकेट ही ले पाए। चेन्नई के फैंस उम्मीद करेंगे कि अगले सीजन वो अच्छी वापसी करें। कोलकाता नाइट राइडर्स के पेसर पैट कमिंस ने मुंबई इंडियंस के खिलाफ अपनी टीम को 14 बॉल में 50 जड़कर जीत दिलाई। इसके बाद उन्होंने खुद कहा कि मेरा काम बॉलिंग है और टीम के लिए विकेट निकालना। इंजरी की वजह से वो पहले ही टूर्नामेंट से बाहर हो गए थे। बाहर होने से पहले कमिंस ने 5 मैच में कुल 7 विकेट लिए, पर उनकी इकोनॉमी केकेआर के लिए लगातार परेशानी बनी रही। कमिंस ने 10.69 की इकोनॉमी से रन दिए। मोहम्मद सिराज कोहली को बहुत पसंद है, ये कहना इसलिए भी आसान हो जाता है क्योंकि विराट ने अपनी कप्तानी में सिराज को आईपीएल और इंडिया की टेस्ट टीम में डेब्यू दिया। पिछले सीजन सिराज को रिटेन करने के लिए रॉयल चैलेंजर बैंगलोर ने युजवेंद्र चहल को जाने दिया था। हर साल की तरह इस साल भी सिराज से फैंस को बहुत उम्मीद थी, पर सिराज इन पर खड़े नहीं उतर पाए। 15 मैच खेलकर सिराज ने सिर्फ 9 विकेट लिए और ये भी 10.08 की इकोनॉमी के साथ। 2021 में मुंबई के लिए थर्ड पेसर की भूमिका नेथन कूल्टर नाइल निभा रहे थे। कूल्टर नाइल ने 6.35 की इकोनॉमी से 5 मैच में 7 विकेट लिए थे। फास्ट फॉरवर्ड टू 2022, टिमाल मिल्स उनकी जगह ले चुके थे। अब उनका प्रदर्शन देखिए, मिल्स ने 5 ओवर में 6 विकेट लिए, पर उनकी इकोनॉमी 11.18 की रही। आप समझ सकते हैं कि जो टीम जोफ्रा आर्चर जैसे पेसर को मिस कर रही थी, उसके लिए इतने रन गंवाना कितनी बड़ी चिंता हो गई थी। मिल्स और डेनियल सेम्स की खराब फॉर्म ने लगातार जसप्रीत बुमराह पर प्रेशर डाला। अनरिक को दिल्ली कैपिटल ने कगिसो रबाडा के आगे रिटेन किया। रबाडा ने अपनी नई टीम पंजाब किंग्स के लिए कमाल किया है। 13 मैच में 23 विकेट लेकर रबाडा ललन टॉप की बेस्ट फॉरेन 11 की लिस्ट में भी शामिल हो गए हैं, पर उनकी नेशनल टीम के पार्टनर पर प्रदर्शन इतना अच्छा नहीं रहा। स्ट्राइक बॉलर के हिसाब से नौकिया में 6 मैच में 9 विकेट लिए हैं। इसके साथ ही नौकिया की इकोनॉमी ने दिल्ली के फैंस को लगातार टेंशन दी। वो अलग नौकिया ने 24.11 की औसत से विकेट निकाले हैं और 9.72 की इकोनॉमी से 217 रन दिए हैं। आपके लिए ये खबर लिखी है पुनीत त्रिपाठी ने। देखते रहिए दी ललन टॉप स्पोर्ट्स। शुक्रिया।